गुम है किसी के प्यार में शो से निकलते ही टीआरपी का हुआ बंटा धार। आयशा सिंह एक बार फिर नजर आई हैं शो के सेट पर। ये हैं वो बड़ी वजह, क्या वाकई सही एक बार फिर करेगी शो में एंट्री? तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। गुम है किसी के प्यार में शो की जान माने जाने वाली आयशा सिंह एक बार फिर शो के सेट पर नजर आई हैं। लेकिन जैसे ही आयशा सिंह शो के सेट पर नजर आई हैं, फैंस में बवाल मच गया है कि क्या है वो बड़ी वजह कि आयशा सिंह एक बार फिर शो के सेट पर नजर आ रही हैं। वाला आपको बता दें, बीते दिन जैसे ही आयशा सिंह ने शो को क्या छोड़ा, शो का ऐसा बंटाधार हुआ कि शो टीआरपी रेटिंग में लगातार उन शोज़ को भी पछाड़ नहीं पाया जो कि न्यूली लॉन्च हैं। वो बड़े बड़े शो भी गुम है किसी के प्यार में शो को पछाड़ आगे निकलने लगे। अब मेकर्स ने एक बड़ा दाव चल दिया है। आपको बता दें आयशा सिंह की एक बार फिर शो में एंट्री होने जा रही है, यानी कि सई की कुछ दिनों के लिए एंट्री कराई जा रही है। ये एक कैमियो हो सकता है आयशा सिंह का। फिलहाल के लिए मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आयशा सिंह को टीआरपी के लिए शो के सेट पर बुलाया गया है और कुछ सीन्स भी आयशा सिंह के आप देख सकते हो। यहाँ पर वो क्लिप्स है जो लगातार तेज़ी से वायरल हो रही है, शक्ति अरोरा के साथ, किशोरी मैम के साथ, योगेंद्र के साथ, सभी के साथ आयशा सिंह नज़र आ रही हैं शो के सेट पर। और इसका एक स्ट्रेट और सिंपल आंसर है कि आयशा सिंह को बुलाया गया है टीआरपी के लिए। आपको पता होना चाहिए आयशा सिंह टीआरपी क्वीन है, जिसके चलते सिर्फ और सिर्फ आयशा सिंह अगर शो में खड़ी भी हो जाए तो शो की टीआरपी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये शो अनुपमा को भी पछाड़ नंबर वन की गद्दी हासिल कर सकता है। आयशा सिंह की पोटेंशियल को देखते हुए, आयशा सिंह के फैन फॉलोइंग को देखते हुए एक बार फिर मेकर्स ने बड़ा फैसला लिया है कि सई की एंट्री कराई जाएगी और ये आयशा के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। फिलहाल आप बताना कमेंट बॉक्स में आप कितना एक्साइटेड हो आयशा को देखने के लिए गुम है किसी के प्यार में। लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब।